हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों मैं हूँ सजीरुद्दीन, वेस्ट बंगाल के रहने वाला हूँ। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज जो है सजीर बाइक गुरु के नाम से, तो मैं अपने चैनल पर बाइक रिलेटेड वीडियो आप लोगों को शेयर कराता हूँ, ताकि आप लोग मेरा वीडियो देखने के बाद अपने अपने दुकान पर काम कर सकते हो। तो इस बाइक में जब हम लोग पिकअप देके बाइक को चला रहा है तो गड़गड़ 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 करके आवाज़ आ रहा है, वीडियो के जरिए से शेयर कराऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताता हूँ बाइक को स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। चलो स्टार्ट मारो। बोला दो देखो, हड़ हड़ कर रहा देखो। देखो देखो व्हील घूम रहा है तो खड़कर कर रहा है। तो चलिए प्रॉब्लम क्या है आपको दिखा दिया, अब हम लोग इसको सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। यहाँ से थोड़ा इसका घिसा जा रहा है। तो दोस्तों इस जगह पर हम लोगों का एक स्क्रैच है, यहाँ पर इस पिनियम पर। तो इस पिनियम पर अगर आँच है इसको हम लोगों को घिसाई करना पड़ेगा। तो चलो घिसाई करते हैं और फ्रेश करते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा दिक्कत है इस जगह पर। तो दोस्तों मैंने अच्छी तरह से जो जो जगह पर हम लोगों को डाउट था उसको मैंने लेवल किया और एकदम बिल्कुल सही है। तो चलो फिटिंग करने के बाद चलिए गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी हमने फिट कर दिया। कहीं भी हम लोग घड़घड़ घड़घड़ नहीं कर रहा है, और पहले जब व्हील घूम रहा था खटखट 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 कर रहा था, तो अभी जो है साउंड हम लोग का परफेक्ट है। चलो बंद कर दो भाई। तो ये जो पिनियम था, पिनियम में आँच आने के कारण ही हम लोग का साउंड ख़राब आ रहा था। ये जो गाड़ी भेजा है एक मैकेनिक भाई ने भेजा है, कि मैंने इसका ब्लॉक किट हेड का काम और क्रैंक का काम सब भी कर लिया है, और बॉडी भी चेंज किया है, हाउसिंग बॉडी जो है ना वो भी चेंज किया था। लेकिन मेरे पास कल रात को ये बाइक आया, और अभी मैंने जब फर्स्ट खोला और खोलने के बाद जो कंडीशन देखा, अभी बाइक हम लोग का सही हो गया है। तो अगर आप लोग के पास भी इस तरह का प्रॉब्लम आते हैं तो आप लोग इसे खोल कर एक बार पिनियम को चेकअप करें। अगर पिनियम ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो पिनियम को बदल दीजिए। मैंने जो पिनियम को यानी कि घिसाई किया उस पिनियम को बदल दे, काम कंप्लीट। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना सा, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।